हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, सैटरडे का दिन है, इवनिंग का टाइम है और आज जो है ना, ये दो नए प्लांट्स लेकर आए हैं, तो बस उन्हीं को सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे इस वाले जो ये पॉट है ना, इसमें दूसरा वाला प्लांट लगा हुआ था, आपने देखा होगा, लेकिन वो ना ख़राब हो गया था। इनडोर प्लांट था लेकिन ख़राब हो गया, तो ये आज ही जो है दो नए प्लांट्स और लेकर आ गए हैं। दोनों ही इनडोर प्लांट्स हैं। तो करीब 7:15 का टाइम है जब मेरी चाय बन रही थी एंड ये जो है ना सो रहे थे। तो बस अभी यहाँ पर मैंने चाय तो दोनों के लिए बनाई है, बट ये अभी उठे नहीं हैं, तो जब ये उठेंगे इनको मैं चाय तभी दूंगी। फिलहाल मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ और बच्चों को आपने देख ही लिया है, वो थोड़ा सा अपनी स्टोरी बुक्स वगैरह होते हैं ना, वो पढ़ते हैं। तो मेरा ये रहता है कि तुम बस पढ़ाई करो, चाहे तुम अपनी स्टोरी बुक पढ़ो, चाहे कुछ भी हो, जो भी तुम्हारा मन कर रहा है। तो इवनिंग टाइम जब उनका वैसे पढ़ने का मन नहीं होता कुछ स्कूल की बुक्स, तो वो अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। तो आज जो है डिनर में मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इतनी ठंड में, लेकिन वही है, खाना बनाना ज़रूरी होता है, मतलब बनाना ही पड़ता है। और यहाँ पर फिर मुझे लगा कि चलो पुलाव बना देते, सबसे जल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्याज जो है वो कट कर लिए हैं, साथ ही साथ टमाटर भी कट करूँगी। और मटर वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं थी, तो सिंपल जो है आलू डाल के पुलाव बनाऊँगी। हाँ, सब्ज़ी लेने भी जाना है आज, क्योंकि सैटरडे है, मंडी लगती है ना, तो सब्जी लेने थोड़ी देर में जाएंगे, उससे पहले पुलाव वगैरह मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर। और पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, बट पता क्या हुआ था, एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि आपने ये कैसा पुलाव बनाया है, आपने तो इसको खिचड़ी बना दिया है और हमारे यहाँ इस तरीके से पुलाव नहीं बनता है। तो हर किसी की जो है ना तरीका अलग अलग होता है, कोई बिरयानी स्टाइल बनाता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ तो भाई पुलाव इसी को ही बोलते हैं, खिचड़ी उसको बोलते हैं जो दाल के साथ मिक्स करके थोड़ी सी गीली गीली बनाई जाती है, वो खिचड़ी हो जाती है। आलू वगैरह डाल के, मटर वगैरह डाल के जो होता है वो पुलाव होता है। और बिरयानी में थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है, हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं की है बिरयानी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ही मैं वेज बिरयानी जो है बनाऊँगी और आप लोगों के साथ जो है रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है अच्छे से सब चीज़ मिक्स कर दी है, सारा मसाला, चावल, आलू सब मिक्स कर दिए हैं। इसमें कर दिया है पानी ऐड और प्रेशर कुक करेंगे, मतलब बस एक ही सीटी आने तक जो है मैं इसको बनाऊंगी। और जैसे ही एक सीटी आएगी तो मैं कर दूंगी गैस बंद और पुलाव बनके हो जाएगा रेडी। के बच गए हैं ठीक 8। यहाँ पर जो है मैंने डिनर बना दिया है, आज मैंने पुलाव बनाया है और अब हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। तो आज सैटरडे है ना, तो मंडी लगती है और मंडी में मिलती है फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ। तो बस अभी मैं और ये जाएंगे, सब्जी लेकर आएंगे और आज आपको भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कैसी मंडी लगती है। तो वहाँ पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलता है, आप जो मर्जी लेना चाहे सब कुछ वहाँ पर मिलता है। बना के इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आते आते लेट हो ही जाता है सब्जी वगैरह लेने में और फिर चीज़ें देखने में टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर डिनर बन गया है और गैस कर देते हैं यहाँ से ऑफ और अब हम चलते हैं मंडी के लिए। निकल चुके हैं और बाहर बड़ी ठंडी ठंडी सी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सुबह तक इतना पता नहीं चलता है, लेकिन नाइट में जो बाहर निकलो तब पता चलता है कि सच में ठंड बढ़ गई है अभी। और सुबह तक ये भी बोल रहे थे कि ठंड नहीं हो रही है, कोई ठंड नहीं हो रही है, अभी पता लग गया नीचे उतरते कितना ठंडा हो रहा है। तो ये है मंडी जो कि हमारी सोसाइटी के बाहर लगती है, सैटरडे और मंडे को लगती है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कप, मर्तबान वगैरह जो आपने मेरे पास भी देखे होंगे ना,
वो सब यहाँ पर मिलता है। कपड़े भी मिलते हैं और छोटी मोटी घर की सारी चीजें जो है ना यहाँ पर मिलती है। और अट्टा मार्केट में जैसा सामान मिलता है ना, बिल्कुल सेम वही सामान यहाँ पर मिलता है। तो मुझे यहाँ से भी जब कभी कुछ चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मंडी से नहीं लेना है, अगर मुझे वहाँ से कोई कपड़ा भी पसंद आता है ना कभी तो मैं वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये ले रहे हैं सब्जी और मैं ना वीडियो बना रही थी तो इसीलिए मैंने बोला कि आप सब्जी लो, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो हम लोग आ गए हैं मंडी से सामान लेके और ये यहीं से पकड़ा है, वहां से मैं लेकर आ रही थी सारा सामान, यहाँ पर इन्होंने पकड़ लिया है दिखाने के लिए। पूरी मंडी में मैं घूमती रही इसको लेकर बैग को टांग के। नमिता शर्मा व्लॉगर्स इज द फैक्ट्री ऑफ द लाइंग, लायर्स, एब्सोल्युटली लायर्स, एब्सोल्युटली लायर्स। तो जाते सेंसर बोर्ड कट कर देते हैं सीन को। पर जो है सबके लिए पुलाव मैंने लगा दिया है और आप देखिए कितना अच्छा बना है ना, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी रायते की कमी। सैलेड मैंने यहाँ पर कट कर दिया था और रायता मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक तो सर्दियाँ आ गई है और रात को दही खाना वैसे सही नहीं होता, एकदम से कोल्ड हो जाता है दही खा के। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब संडे की सुबह और यहाँ पर जो है ना मैं मूली के पत्ते कट कर रही हूँ। तो नाइट में सब्जी लेकर आए थे, मैं 2 किलो मूली लेकर आई थी, तो मैं पत्तों सहित लेकर आती हूँ हमेशा और मूली के पत्तों की सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना, तो मूली के पत्ते भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। और यहाँ पर जो है मूली के पत्ते सारे मैंने कट कर लिए हैं अच्छे से, उन्हें एक दो बार वॉश कर लिया है। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दी हरी सब्जी को आप ना पहले ही वॉश कर लिया करो, बट मेरी आदत है जब तक मैं काट के भी वॉश ना कर लूँ ना मुझे ना एकदम मतलब होता है ना तसल्ली नहीं मिलती है, तो इसीलिए हरी सब्जी जो है मैं एक बार धो लेती हूँ और काटने के बाद भी जो है उन्हें वॉश करती हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है आज संडे, सुबह के बज गए हैं ठीक 11, वो देख लीजिए टाइम। और यहाँ पर धूप में मैंने लगा दिया है गद्दा क्योंकि अब जो है धूप आने लगी है और अभी सब जो है ना नाश्ता यहीं पर बैठ के करने वाले हैं। और आज जो नाश्ता है ना वो बिल्कुल देसी वाला नाश्ता होता है ना वो बन रहा है, वो देखिए सुबह उठते उनका टीवी स्टार्ट हो जाता है दोनों का, नहाए नहीं धोए नहीं टीवी देखना शुरू कर देते। और आज का जो नाश्ता है ना बिल्कुल देसी वाला नाश्ता होता है ना वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने बनाई है मूली के पत्तों की सब्जी, साथ में मैं बनाऊँगी रोटी और साथ ही साथ ना ये देखिए यहाँ पर मैंने मक्खन भी बनाया हुआ है और एक स्पेशल चटनी लहसुन और धनिए की वो मैं अभी बनाने वाली हूँ। वाली जो चटनी है ना मैं आपको बता रही हूँ, एक बार प्लीज़ बना के देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस चटनी में रोटी ज़रूर खाना, साथ में मक्खन लेना और उसके बाद बताना जो टेस्ट आएगा ना, मतलब 56 भोग भी फीके है इसके आगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, बचपन से हम लोग चटनी खाते हुए आए और मतलब गढ़वालियों की तो एक ख़ास चीज़ है ये, जो गढ़वाल से उन्हें पता होगा। तो बस ये वाली चटनी मैं बनाऊँगी और अभी आटा नहीं गूंदा है मैंने, वो भी गूंद के रखना है। और हाँ ये चटनी पिसेगी सिलबट्टे पे, तो इसका टेस्ट ही तब आता है जब आप इसे सिलबट्टे में पीसेंगे ना बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से, तभी इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने इसमें धनिया कट किया हुआ है और 7-8 लहसुन की कलियाँ हैं इसमें और 3 से 4 हरी मिर्च छोटी छोटी सी मैंने इसमें कट की हुई हैं। और अब बस कुछ नहीं करना है, नमक डाल के जो है सिलबट्टे पे इसको पीस देना। तो चलिए जल्दी से जो है ना अपना ये वाला काम भी निपटा लेते। और यहाँ पर मैं पीस रही हूँ सिलबट्टे में एकदम देसी वाली चटनी, तो ट्राई ज़रूर करना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लेकिन पीसना हमेशा सिलबट्टे में क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है
उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। तो आज का हमारा नाश्ता एकदम देसी स्टाइल का होने वाला है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, अभी बनी है हरी सब्जी, साथ में है हरी चटनी और साथ ही साथ है घर का बना हुआ फ्रेश बटर। तो इसी समय जो है मैंने सुबह ही इस मक्खन को बनाया है। और ये पता है क्या बोल रहे थे कि बस इसके साथ एक चीज़ की कमी है, वो है छाछ की। तो अगर लस्सी भी मिल जाती ना एक ग्लास तो मज़ा आ जाता। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी और इस तरीके का नाश्ता जब करवाऊँगी ना तो लस्सी का ग्लास ज़रूर होगा। अच्छा, सबका नाश्ता हो चुका है, बस अब थोड़ी बहुत सी जो क्लीनिंग रहती है वो कर लेते हैं। सफाई भी करती रहती हूँ, तब तक मेरे घर से भी कॉल आते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई का कॉल आ गया था, तो बस मैं उसके साथ बातें भी कर रही हूँ, अपनी क्लीनिंग भी जारी है मेरी। और बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो चुके हैं, बस लास्ट के जो गैस के स्टैंड थे वो निकले थे वो क्लीन करूँगी। और एक कढ़ाई थी लोहे वाली जो कि जिसमें मैंने हरी वाली सब्जी बनाई थी, तो उसको भी मैं धोती हूँ और उसके बाद ना उसको मैं गैस पे सुखा देती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है कि लोहे की कढ़ाई में ना जंक नहीं लगता। तो आप भी इसी तरीके से धो के इसको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से जो है बास्केट में रख दें और उसके बाद जो है इसको गैस में सुखा दें। हमारा हो चुका है, किचन मेरी साफ हो गई है और मैं आई हूँ वीडियो का एंड करने के लिए, क्योंकि अब मुझे वीडियो एंड करना है, उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी होती है और घर के और भी काम होते हैं। तो बस ये वाला वीडियो जो है मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।